तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, टिड्डे की संरचना, जीवन चक्र एवं कृषि में महत्व। ठीक है, तो टिड्डे का वैज्ञानिक नाम है हीरोग्लाइफस बेनिया। ठीक है, टिड्डा एक विश्वव्यापी कीट होता है जो विश्व में प्रत्येक जगह पर पाया जाता है। यह शाकाहारी होता है जो खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, खरीफ की फसलों को भोजन के रूप में ग्रहण करने का कार्य करता है, इसलिए इसे खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है टिड्डे की बाह्य संरचना। तो टिड्डे की जो बाह्य बाह्य आवरण होता है, जो इसका बाह्य परत होती है वो काइटिन से निर्मित होती है। टिड्डे की बाह्य संरचना को तीन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। नंबर एक सिर, नंबर दो वक्ष और नंबर तीन उदर। सबसे पहले अपन देखते हैं सिर। टिड्डे का जो सबसे अग्र जो भाग होता है वो होता है सिर। सिर के ऊपर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं व एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये श्रृंगिका व संयुक्त नेत्र संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इन दोनों नेत्रों के बीच में उपनेत्र पाए जाते हैं या साधारण नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो इसका जो मुख है वो नीचे की तरफ पाया जाता है, इसलिए इसे अधोमुखी मुख भी कहा जाता है। सामान्यतः नीचे की तरफ होता है, इसके मुखांग भी नीचे की तरफ ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको अधोमुखी मुख कहा जाता है। इसके अलावा जो रास्ते का पता लगाने, स्वाद व गंध का अनुमान श्रृंगिका के द्वारा ही लगाया जाता है। सिर से जो जुड़ा हुआ जो भाग है वो कहलाता है वक्ष। वक्ष को भी तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष व पश्चवक्ष के ऊपर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ये टोटल 6 टांगे टिड्डे के अंदर पाई जाती हैं, जबकि मध्यवक्ष व पश्चवक्ष दोनों के ऊपर एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो टिड्डे की जो टांगे हैं इनको भी 5 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर एक कोक्षा, ये वाला जो भाग होता है वो कहलाता है कोक्षा। नंबर दो ट्रोकेंटर, ये वाला भाग। नंबर तीन फीमर और नंबर 4 टीबिया और नंबर 5 टार्सस। टार्सस है ये भी 3 खंडों के अंदर विभाजित होता है, प्री टार्सस, मीजो टार्सस व मेटा टार्सस। ठीक है, तो इसकी जो पीछे वाली जो टांगे होती हैं, यानी फर्स्ट वक्ष वाली जो टांगे हैं, ये टांगे फुदकने वाली या कूदने वाली टांगे होती हैं। इसका जो टीबिया व फीमर वाला जो भाग है ये काफी मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, जिससे ये कूदने में सहायक होते हैं। ठीक है, नंबर 3 आता जो भाग है वो है उदर। उदर टोटल 11 खंडों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका जो पीठ वाला भाग है, इन प्रत्येक जो खंड है, प्रत्येक खंड के पृष्ठीय भाग है वो तो कहलाता है त्रिगम, जबकि प्रत्येक खंड का जो उदर की तरफ नीचे वाला भाग है वो कहलाता है स्टर्नम। इन दोनों त्रिगम व स्टर्नम, इन दोनों भागों को जो जोड़ने का कार्य है वो प्लूरोन झिल्ली के द्वारा किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि त्रिगम व स्टर्नम भाग प्लूरोन झिल्ली के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्लूरोन झिल्ली के दोनों तरफ, एक उस साइड और एक इस साइड, 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ये श्वास रंध्र है, ये 8 जोड़ी तो होते हैं उदर में, जबकि 2 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं वक्ष के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उदर है ये, इसके 11वां जो खंड है, सबसे लास्ट वाला जो खंड है वो होता है मलद्वार,
जब इन मादा का जो उदर है वो नर की अपेक्षा कुछ नुकीला होता है, क्योंकि जो आठवां और नौवां खंड है ये मिलकर के एक अव्यय संरचना का निर्माण, नुकीली संरचना का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं अंडरोपक। इस अंडरोपक की सहायता से मादा भूमि के अंदर गड्ढा खोदती है तथा अंडकोष्ठक को वहां पर इस अंडरोपक की सहायता से दबा देती है तथा उसको सहने का कार्य करती है। ये तो थी टिड्डे की बाह्य संरचना।